Namaskar Mitro, welcome back to our YouTube channel BodhisattvaPCS. I would like to start this video with a statement which has been ordered by a customer to a waiter in a burger shop. You need more exercise, go and get me a cheeseburger with onion. यहाँ पे इस स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, इसमें तीन टर्म्स हैं, मोर एक्सरसाइज, चीज बर्गर और अनियन। देखिए बर्गर तो सेम ही है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है मोर एक्सरसाइज का, बर्गर को एनहेंस करने के लिए, और चीज और अनियन का। ठीक है, देखिए अब इसको जो है ये परीक्षा से कैसे रिलेटेड है। हाल ही में बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा 2021 का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया है। इसमें आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेके जो है काफी सारा बवाल मचा हुआ है, आप लोगों में डर का माहौल है, आप लोग सशंकित हो रिजल्ट को लेके और अपने परफॉर्मेंस को लेके। तो देखिए इसमें दो चीजें काम करती हैं। इस पूरे वीडियो को हम दो हिस्सों में ही बांट के देखते हैं। पहला कि हाल ही में जो बीपीएसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है वह क्या रिलेवेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें किसका दोष है, क्या आयोग का दोष है, या आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं या एग्जाम की साइकोलॉजी को समझने में कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो। और यदि आप 67वीं बीपीएससी को भी टारगेट करना चाहते हो तो इसको जो है किस तरीके का कॉशनरी स्टेप्स लेके आगे चलना होगा, पूरे वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं जो आपको कहीं किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए एग्जाम तो बीत गया, ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए एग्जाम तो बीत गया, ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हमने जो ट्रेंड समझा था आयोग का उसी अनुसार हमने पढ़ाई करी थी और जो सिलेबस दिया हुआ था उसको बेस मान के हमने अपना प्रिपरेशन किया था और प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। देखिए अभी की जो परिस्थिति है आपने सही कहा। दूसरी चीज ये आपका वो हो गया, वे ऑफ थिंकिंग हो गया, वे टू अप्रोच हो गया इस एग्जाम को लेके। दूसरा चीज कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो ये कह रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं कि आयोग ने ये कर दिया, आयोग ने वो कर दिया, नीतीश कुमार घपला कर रहे हैं, आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है। देखिए आयोग को तब तक आप कुछ दोषारोपण नहीं दे सकते। देखिए आयोग कहीं भी आपने नहीं सुना कि क्वेश्चन पेपर आउट हुआ या किसी भी तरीके का कोई जो है प्री एग्जामिनेशन जो है बैड माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसमें जो है बीपीएसएससी की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े विद्यार्थियों का एग्जाम जो है उसने अच्छे से कंडक्ट कराया। अब बात आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि क्या आपका साइकोलॉजी से, फिलोसफी से और जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है और इकोनॉमिक्स से जो पहले नहीं पूछा जाता था, यह क्या आयोग की गलती है इसमें? तो मैं कहूंगा मेरा मानना है कि नहीं है। अब आप इसके पीछे का तर्क देख लो, मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं। हो सकता है कि आप मेरे बातों से जो है सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा आपको जो समझाना है, मेरी जितनी समझ है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपटीशन के फील्ड में पढ़ने और पढ़ाने का, इस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैं हमेशा ही कहते आया हूं कि जब आप युद्ध लड़ने जाते हो तो आप अपने विपक्षी से ये आशा नहीं कर सकते हो कि वो आप पे थोड़ा रहम बरते और वो आपको यहां ना मारे, वहां ना मारे, इस तरीके से ना मारे, इस तरीके से ना मारे, ठीक है। उसको जो है युद्ध जीतना है, आपको कंपटीशन से आउटपेस करना है, तो वो किसी भी तरीके से आपको मारने की, आपका गला रेतने की कोशिश करेगा। सेम साइकोलॉजी जो है कंपटीशन में भी अप्लाई होती है। मैं कोई हिंसात्मक अप्रोच नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां पे साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक टोनी रॉबिन्स जो अमेरिकन ऑथर रहे हैं उनका स्टेटमेंट हमेशा रिसाइट करता हूं कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी और 20% जो है आपका स्किल्स डिपेंड करता है इस पे। इसमें दो चीजें हैं, आप महाभारत से उदाहरण लीजिए कि जब अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में अंदर जाता है और अब बाहर नहीं निकल पाता है और कौरवों के द्वारा मारा जाता है, शहीद हो जाता है, तो बहुत सारे लोग कौरवों पे दोषारोपण करते हैं कि अपने लोग ही तो थे, एक बच्चे को क्यों मार दिए, 15-16 साल के बच्चे को क्यों मार दिए, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए था, पांडवों ने इसको लेके जो है बहुत हो हल्ला मचाया था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्या इसमें कौरवों की गलती थी? युद्ध तो वो लड़ रहे थे ना, यदि अभिमन्यु को छोड़ते तो अभिमन्यु मार देता उनको,
ठीक है, तो ये जो गलती है जहां से अभिमन्यु को शिक्षा मिली थी उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई, या अभिमन्यु की साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं खामी रह गई। महान योद्धा थे अभिमन्यु, लेकिन हमें जो है सीख लेनी चाहिए जहां से भी लो। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन को लेके, बोर्ड को लेके जो है, इस प्रश्नों को लेके जो है बोर्ड को दोष नहीं दे सकते हो। देखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इडली का इंग्रेडिएंट क्या है और कैसे बनता है। इडली इज द पार्ट ऑफ आवर रिच कल्चर, इंडियन हेरिटेज। ठीक है, इडली इतना फेमस है कि आप विदेशों में भी जाके इसे प्राप्त कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ का बिहार का लिट्टी चोखा है। ठीक है, इस पे वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन छोटा सा वीडियो बनाया था। मेरा मेन उद्देश्य है 67वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन को जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यह बातें कहना। ठीक है, आपके आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखो, हम और हमारा भोजन का प्रकार, उसमें कई तरीके का वो दिया हुआ है। ठीक है, मैं आप कहोगे तो मैं प्रमाण भी दे दूंगा एनसीईआरटी का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब रही बात कि इसमें जो है साइकोलॉजी के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, समाजशास्त्र के क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दर्शन शास्त्र के क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोटेशन क्यों पूछा जा रहा है, ये कोई कहे तो ये तो सरासर गलती है। देखिए आप, मैं मानता हूं कि आपने कोई भी व्यक्ति तैयारी करता है तो पिछले साल का जो पैटर्न रहता है उसको फॉलो करके ही तैयारी करता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि बीते दिनों में सरकारी नौकरियों पे कितना दबाव बढ़ा है। एक तो बिहार या पूरे देश की इतनी जनसंख्या, और ऊपर से प्राइवेट सेक्टर में जो है सुरक्षा का अभाव जो है लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ रुख करने को विवश कर रहा है। ठीक है, एमटेक किए हुए लोग, बीटेक किए हुए लोग, पीएचडी किए हुए लोग जो है क्लर्कल एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए। आप सोचो ना कि कितना एक लेवल गिर गया है। ठीक है, कि क्लर्कल एग्जाम के लिए भी एक चपरासी का एग्जाम निकला था शायद, मैं यदि करेक्ट हूं तो, लखनऊ सचिवालय में। तो लखनऊ सचिवालय ने जब आवेदन मंगाया तो उसमें एमटेक किए हुए लोग, बीटेक किए हुए लोग, पीएचडी किए हुए लोग अप्लाई किए थे। आप सोचो ये कितनी मतलब दयनीय स्थिति है। अंततोगत्वा जो है सचिवालय ने उस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। ठीक है, तो बात कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आयोग को इतनी समझ है, आयोग में बहुत अनुभवी लोग बैठते हैं, कोई भांग खा के दारू पी के क्वेश्चन नहीं सेट करता। और अभी जो आप पिछले साल का 2021 का यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन उठा के देखो, प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें 4-5 क्वेश्चन जो है समाजशास्त्र से पूछा गया है, कहीं मेंशन तो नहीं है। लेकिन एक ग्रेजुएट होने के नाते आपसे ये आशा रखी जाती है कि आप जो है छठी से कम 12वीं तक की चीजों का अच्छा से नॉलेज रखो। ठीक है, मैंने जो बात कही थी ना बर्गर में चीज और अनियन के एडिशन का, ये वैल्यू एडिशन है। किस तरीके का वैल्यू एडिशन? एक तो आपका एनसीईआरटी पूरा पढ़ना, और दूसरा जो आपका आउटर स्पेस है उसका ऑब्जर्वेशन। आप एक कंपटीटर के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे, आपको केवल एक किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करनी है। आप चारों तरफ देखो कि क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, उस घटनाओं को ऑब्जर्व करो, और जो भी आपका ज्ञान है उसको अप्लाइड करने की कोशिश करो कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आने वाले 1-2 साल में और भी ट्रेंड ज्यादा बदलने वाला है। यदि आप राजस्थान पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम देखोगे तो उसमें मुझे लगता है कि आईएएस से ज्यादा डिफिकल्ट अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, उसके पॉलिटी हो गया या हिस्ट्री हो गया या अन्य कोई पेपर हो गया, समझ रहे हो? तो आप आयोग का दोष ना दें। जो भी टीचर ऐसा कह रहे हैं कि आयोग इसमें दोषी है, तो मान सकता है कि टीचर भी जो है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को एनालिसिस करता है और फॉलो करता है उसको और बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन एज ए टीचर आपको जो है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर एक आयामों को बताऊं। मैं ये कहूं कि देखिए समझ होनी चाहिए ना, कम से कम एक समझ होनी चाहिए कि डिमांड क्या है। जो अभी सोसाइटी जो है उसका एवोल्यूशन होते रहता है, आप जानते हो नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, सोसाइटी तो स्टैटिक है नहीं। आप देखते होंगे पहले गांव में कोई जींस पैंट और टी शर्ट पहन लेता था तो लोग उस पर कितना कमेंट करते थे, चिढ़ाते थे, आज तो आम फैशन हो गया है। ठीक है, पहले जो सोसाइटी रूढ़िवादी थी अब लिबरल होती जा रही है उसकी थॉट्स। तो आपको सोसाइटी में रह के काम करना है, नित नए सोसाइटी में जैसे परिवर्तन हो रहा है तो वैसे दिक्कतें भी आ रही हैं, तो उनको चाहिए एक बढ़िया दारोगा। ये नहीं कि आप किताबी कीड़ा हो और आईपीसी की धाराएं आपको याद हो और आपको कुछ और जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, सोसाइटल नॉलेज उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप परिवर्तन को समझो,
और अपने में सुधार करो फ्रेंड। मैं आपके दर्द की अनुभूति पूरी तरीके से कर रहा हूँ और मैं इसके साथ हूँ कि आप जो पेन फील कर रहे हो वो मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन मेरा एज ए टीचर ये कर्तव्य है कि मैं आपको सही चीज़ों से अवगत कराऊँ। मैं ये नहीं कहूँ कि आप आयोग के प्रति धरना दो, आप आयोग के सदस्यों को गाली दो, वो रेस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं। आयोग जब तक करप्शन नहीं करता है, एग्जाम अच्छा से कंडक्ट नहीं कराता है, तब आप आयोग को कुछ कहो। अब बाहर निकलो, अपने 4x4 के रूम से बाहर निकलो और आंदोलन करो। जेपी के भूमि से हो आप, बिहार है ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है, ठीक है? तो इस चीज को आप समझो, ठीक है? तो ये हो गया कि आप जो देखिए दो जो चीजें हो गई, आपको उसे लेके डरना नहीं है। मैं आपको बता दूं इसका कटअप जो है 60+ क्वेश्चन जनरल का 2+ या 2- जाएगा, ठीक है? जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चंस का, वो देखा मैंने, बहुत सारे बच्चों से बात करी, तो इसमें 60+- 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। और आप अपने कैटेगरी वाइज जो है 2-3 क्वेश्चन जो घटा के आप अपना अरेंज करके देख लो, ठीक है? अब रही बात कि आप जिस प्रश्नों को लेकर रो रहे हो भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा वे प्रश्न जो है कोई नहीं किया होगा, किसी से नहीं हुआ होगा, कोई पढ़ के ही नहीं गया तो कहां से होगा? तो कंपटीशन तो फिर नॉर्मल ही हो गई ना, तो प्रश्न जो है उतना ही पे जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न आपको नहीं आता है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, वो किसी को भी नहीं आता होगा। हाँ, वैसे लोग हैं कि जो आईएएस की प्रिपरेशन किए हैं, बीपीएससी का प्रिपरेशन किए हैं, और जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, या जो नॉर्मल जिनका ज्योग्राफी है, लेकिन वो हर एक चीजों को 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा सा एज मिल सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मेंस का प्रिपरेशन करो यदि आपका दरोगा जो है टारगेट है तो, ठीक है? सुनने में आया है कि अब इस साल भी वैकेंसी काफी अच्छी खासी आने वाली है, काफी भारी कमी है अभी भी सरकारी कर्मचारियों की बिहार में, तो आप टेंशन मत लो, आपके सामने बहुत सारे विकल्प है, ठीक है? अब बात रह गई इसके सेकेंड पार्ट में, बात करते हैं कि 67वीं बीपीएससी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए आपको। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो आरंभ द बिगिनिंग सीरीज शुरू हुआ है, ये हमने बहुत ही सोच समझ के शुरू करा है। हमारे पास अभी इसका 7 या 8 क्लास बीत गया है, तो आप इसे यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इसमें हम एनसीईआरटी पूरा टारगेट कर रहे हैं 6ठी से 12वीं तक की, और प्लस उन सारे टॉपिक का भी समावेशन कर रहे हैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक है अभी तक के हिसाब से, और उसको जो है राजीव अहिर की बुक से या बिपिन चंद्रा से कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसको भी हम करते जा रहे हैं। साथ साथ करेंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है, तो आप भी यदि आप लेना चाहते हो, काफी मिनिमल इसका आपका कंट्रीब्यूशन फी, ये फी नहीं है, बस आपका एक चैनल के लिए कंट्रीब्यूशन है 700 के आसपास, आप इसे पे करके इसका पूरा फायदा, प्रीमियम सीरीज है, पूरा फायदा उठा सकते हो, ठीक है? अब देखिए कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए 67वीं बीपीएससी के लिए। आपने यदि अभी तक तैयारी हो गई होगी तो आप जो है सोशियोलॉजी की जो 11th या 12th क्लास में है उस बुक को पढ़ो एनसीईआरटी, ठीक है? थ्रॉली पढ़ लो, एक दो बार पढ़ लो, कुछ ज्यादा डिटेल और उसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी थिंकर्स हैं, जिनका भी विचार है समाजशास्त्र में सोसाइटी को लेके, ठीक है, उन सारी चीजों को समझो, देखो उसमें क्या है, आपका वैल्यू एडिशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, आपका वे ऑफ मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग की होराइजिंग बढ़ेगी। आपको प्रीलिम्स में तो पास कराएगा ही, हेल्प करेगा ही। यदि अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जब यूपी पीसीएस का एग्जाम प्रीवियसली कंडक्ट हुआ है ना, तो उसके पैटर्न को बीपीएससी ने पूरा फॉलो किया है। तो आप यूपी पीसीएस का प्रश्न जो है डाउनलोड करो इंटरनेट से, या आप नीचे कमेंट करके बताओ, जिनके पास नहीं होगा मैं उनको लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, कितना एनालिटिकल है, बीपीएससी एनालिटिकल बना दे तब क्या करोगे आप, ठीक है ना? तो पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, पूरी तैयारी करके रखो, जी जान से पूरी तैयारी, जितना हाथ जोड़ सको अपने बाजुओं में, अपने कंधों में उतना हाथ जोड़ो और पूरे दिलो जान से एग्जाम दो। बाकी जो है रिजल्ट वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? ठीक है, लेकिन लड़ो तो पूरे दिलो जान से लड़ो, जीत जाओगे तो जीत जाओगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? जिंदगी का पर्याय नहीं है एग्जामिनेशन क्रैक करना, लेकिन यदि आप कर रहे हो इसे तो पूरे दिलो जान से पढ़ो। आप जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, बिना एनसीईआरटी का मैं ये कह सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हो। और जो लोग कहते आए हैं ना, कुछ ऐसे टॉपर्स होते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि ऐसे लोग मतलब जो एनसीईआरटी पढ़े तो होते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं कि एनसीईआरटी पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू डाउन हो जाएगा,
एनसीईआरटी ने ये फलना बुक, ये चिलना बुक, ये स्टैंडर्ड बुक, ये बुक, वो बुक, उससे क्या होता है कि अरे बाप रे इसने ये पढ़ा, उसने ये पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी मतलब ना बहुत बड़ी चीज होती है, आप उसको एक बार पढ़ के तो समझो ठीक है। आप एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ो, 11th क्लास की, 12th क्लास की, आपको लग जाएगा क्या है जो, जब उसमें फंडामेंटल राइट की चर्चा करता है उसके पहले एक कहानी बताता है एनसीईआरटी, एक सिचुएशन आपके सामने डालता है। यही तो है अप्लाइड नॉलेज, इसी चीज को आप फॉलो करो। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एग्जामिनेशन में मत बैठना इस बार, ठीक है? क्योंकि यदि एग्जामिनेशन का, यदि आयोग का मूड घुमा हुआ है और आयोग कंपटीशन को मेंटेन करने का एकदम सोच लिया है कि अपने बी स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, तब आपको, आपके साथ जो है धोखा हो सकता है। और कभी भी तैयारी अपनी एमसीक्यू के थ्रू मत करो, एमसीक्यू करते जाओ, जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसे बुक में देखो, पहले बुक पढ़ो और उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसको करके अपने नॉलेज का जो है जजमेंट करो कि कैसा आपका प्रिपरेशन जा रहा है और कैसा नहीं जा रहा है, ठीक है? आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, मेरी बातें जरूर आप इसको कंसीडर कीजिएगा इफ यू आर सीरियस अबाउट 67th BPSC एग्जामिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जनरली लोग आपको नहीं बता पाएंगे। और आपका, मैं आपको दोष देना चाहूंगा, तो देखिए कभी भी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना चाहिए, अपना दोष लेना जो है इस विश्व में सबसे बड़ा काम है, कोई अपना दोष लेता नहीं। आप ये सोचो कि जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि अभी तक आयोग के थ्रू, आयोग के द्वारा जो ऐसे करप्शन और रिश्वत की कोई सी न्यूज नहीं आई है मार्केट में, तो आयोग अपने हिसाब से सही है, उसने कंपटीशन मेंटेन किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बातों का विश्वास करो, ठीक है? और बाकी चीजें आप पे हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा